बना लिया। हाँ। देखो कांस्टेंट वेलोसिटी से कार जा रही है, पहले देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि इसके बाद एक्सीलरेटेड वेलोसिटी भी हम देखेंगे। कांस्टेंट वेलोसिटी से कार जा रही है, ठीक है। तो कार एक्चुअल में किस तरफ भागती है? बाहर की तरफ। किसकी वजह से भागती है? एयर की। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लिखो, एक एक पॉइंट लिखते जाओ। देयर विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, जो कार एक्चुअल में, समझो होता क्या है, कार को हमने पाथ पे है, ठीक है, उसके पहिए मोड़े, तो एक्चुअल में अगर फ्रिक्शन ना हो तो कार में ड्रैग होगा सामने की तरफ, ठीक है, फिसलेगी, लेकिन ड्रैग नहीं होता तो उसको अर्थ क्या है, अपनी तरफ खींचती है, और अर्थ का क्या खींचता है? सेंट्रीफ्यूगल। तो बाहर लग गया वो फ्रिक्शन। कौन प्रोवाइड करता है एक्चुअल में? अर्थ प्रोवाइड करती है, क्योंकि चल रहे हैं अर्थ पे, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो किससे बैलेंस हो जाता है? फ्रिक्शन से। पहले कैसे? कांस्टेंट वेलोसिटी का। तो F is equal to क्या हो जाएगा? mv square by r। लिखो F is equal to mv square by r। यही सर सेंट्रीपेटल होता है, यही सेंट्रीफ्यूगल होता है। हाँ, मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक है, एक एक पॉइंट समझो, सब क्लियर हो जाएगा तुम्हें, ये दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। अब F एक्चुअली होता क्या है? म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो तुम्हारा F फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू इनटू mg। यहां पर तुम्हें याद होगा एक दिन हमने बताई थी बात कि जो हमें चाहिए होता है वो मैक्सिमम से क्या होता है? कम। बट एक दिन हिंदी में भी लिखवाई थी ना हमने बात, कि ये ध्यान रखना, जो हमें चाहिए होगा वो हमेशा मैक्सिमम से क्या होगा? कम। मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ कितना हो सकता है? म्यू एमजी। तो ये जो फ्रिक्शन लग रहा है वो हमेशा उससे क्या होगा? कम। तो ये तुम्हारा हो गया लेस देन और इक्वल टू म्यू एमजी, ठीक है। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर की सिचुएशन लिख लो। V कितनी आ गई? अंडर रूट म्यू आर जी। इससे ज्यादा वेलोसिटी से अगर वो निकलेगा तो मिनिमम नहीं आई है, मैक्सिमम आई है। उससे ज्यादा वेलोसिटी से निकलेगा तो क्या करेगा? बाहर भाग जाएगा। उसे कम तो रख ही सकता है, बात समझना। एक अभी जब तुम एनएलएम पढ़ाएंगे तो इसमें तुम जब ये सर्कुलर ट्रैक वगैरह पढ़ोगे तो उसमें एक डेरिवेशन होता है कि पार्टिकल की रेंज, वेलोसिटी की रेंज, कि यहाँ पर वो v मिनिमम और v मैक्सिमम के बीच में कितना रह सकता है। तो हालांकि प्रैक्टिकली अगर तुम सोचो तो बहुत सारे तुम क्वेश्चन करोगे यहाँ कोई वैल्यू आएगी, लेकिन इस सिचुएशन में अगर प्रैक्टिकली सोचो, तुम अगर रेस्ट पर खड़े हो जाओ तब भी तो स्टेबल रहोगे ना। हाँ। तो v मिनिमम यहाँ पे कितना आता है? जीरो। जीरो मतलब तुम खड़े भी हो जाओ तब भी गिरोगे नहीं। तो v, बहुत सारे केसेस ऐसे आएंगे जिसमें तुमको बहुत सारा अलग अलग एक्सप्रेशन आएगा। तो यहाँ पर जीरो से लेकर के रेंज कितनी हो गई? म्यू एम जी, जो भी तुम्हारी आई है, म्यू आर जी का अंडर रूट। जिसको सब नहीं समझ में आया बताया, ये वेलोसिटी आ गई म्यू आर जी। ये किसके केस में है? जब बॉडी कैसे चल रही, कार कैसे चल रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से। फिर से समझ दो कि जब कार ऐसे चल रही है तो नेचुरली कार बाहर की तरफ स्किड करती है। बाहर की तरफ स्किड करने का मतलब कौन सा फोर्स लग रहा है? mv square by r, ठीक है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। लेकिन उसको बैलेंस कौन करता है? फ्रिक्शन। तो f is equal to mv square by r। लेकिन मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या लग सकता है? म्यू एमजी। तो हमें ये फ्रिक्शन चाहिए बैलेंस कराने के लिए, और वो मैक्सिमम है। तो जो हमें चाहिए होता है वो मैक्सिमम से हमेशा कम होगा, उससे बढ़ेगा नहीं। तो mv square by r is equal to, तो b की वैल्यू यहां से निकल आती है अंडर रूट, ठीक है। सेकेंड केस लिखो, अगर इससे वेलोसिटी बढ़ाते तो इस हम बाहर निकल जाएंगे, तो हम बाहर स्किड करेंगे। सेकेंड केस लिखो, बॉडी इज एक्सीलरेटेड एट द टर्न।
बॉडी इज एक्सीलरेटेड एट द टर्न, मतलब अब मोड़ पर उसके पास क्या है, एक्सीलरेशन। पहली बात, सर्कुलर मोशन में कितने टाइप के एक्सीलरेशन होते हैं? दो, एक हमारा टेंजेंशियल होता है, ठीक है, ए टी, और एक हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन कह लो या सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन बोलो, एंगुलर मत बोलो अभी, सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन। रेडियल तो बोलते ही हैं उसको, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, लिख लो। देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन, वन इज टेंजेंशियल, अदर इज रेडियल। टेंजेंशियल को तो सिंपली हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए आर इज इक्वल टू हो जाता है बी स्क्वायर बाई आर, फॉर्मूला लिख लो। अब आयुष खिड़की खोल रहा है, गर्मी लग रही है, चलो खोल दो। पाँच है सर, चार, खड़े खड़े जल्दी करो, जल्दी हाथ तेज चलाओ, हो गया, ठीक है, वही बना रहे, ठीक है। अब सुनो, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कौन करता है, फ्रिक्शन, ठीक है, बात समझ रहे हो, टेंजेंशियल एक्शन प्रोवाइड एक्सीलरेशन कौन प्रोवाइड, कार के पहिए घूम रहे हैं, ठीक है, और घूम कहां पर रहे हैं, रोड पर, तो पहिए पीछे घूम रहे हैं, फ्रिक्शन आ गया, तो वो हमें टेंजेंशियल एक्शन कौन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन है, शॉर्ट में लिख लो AT बाई फ्रिक्शन, AT प्रोवाइड करता है फ्रिक्शन, AT मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ठीक है। रेडियल एक्सीलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स से कोई मतलब नहीं है यहाँ, वो जनरेट होता है। देखो, प्रोवाइड कराने में दो ही चीजें कंसिडरेशन में आएंगी, या तो फ्रिक्शन या तो MG, नॉर्मल रिएक्शन, जो कैरेक्टरिस्टिक फोर्सेस होते हैं वो, ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन तो प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि वो कार में ऊपर की तरफ लग रहा है, एमजी प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि वो नीचे की तरफ लगता है, तो रेडियल एक्सीलरेशन भी कौन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन ही, ये चीज नोट कर लो, रेडियल एक्शन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाई फ्रिक्शन। Radial acceleration provided by friction, tangential acceleration is also provided by, ठीक है, देखो, let at t is equal to zero, let at t is equal to zero, let at t is equal to zero, v is equal to, मतलब initial velocity zero है उसकी, मतलब particle ने जब भी चलना start किया था, और उसका acceleration है a, ठीक है, तो तुम लोगों को वो सर्कुलर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन में तीन इक्वेशन बनती हैं रोटेशन के फॉर्म में, वो क्या बन जाती हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये बनती है ना, ठीक है, तो हम यहाँ पर ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, वी बाई आर, तो V by R, और ये हो गया 0 by R plus अल्फा को क्या लिखते हैं, A by R इक्वेशन कैसे, ये वाली सर, ये फर्स्ट इक्वेशन रोटेशन में प्रूफ करते हैं, अभी करेंगे हम डायरेक्ट रोटेशन में, A by R ये हमारा रोटेशन पर होता है, V is equal to U plus AT, हाँ, वो is equal to U plus AT, ओमेगा जो है वो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा नॉट इनिशियल है, अल्फा एक्सीलरेशन है, टी टाइम है, ठीक है, तो R सबसे कैंसिल हो जाएगा, तो V is equal to क्या आ जाएगा, जहां पर A tangential acceleration है, ध्यान रखना, ये initial जो भी है, ओमेगा, ये 0 लिखा था, U by R होगा, तो वो तो 0 होगा, तुमने लिख दिया, समझ में आया, उसको तुम डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हो, सर, A by R मतलब क्या बेटा, अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर, अच्छा हां, हम उसको ए को कुछ और समझ लेते हैं, ध्यान से समझना, ये इधर हमारी कार है यहां पर, ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ये हो गया हमारा ए, सिर्फ ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
रेडियल एक्सेलरेशन जो है वो हो गया अंदर की तरफ कितना बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो नेट एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर पे होगा, ठीक है। वो कितना हो जाएगा, लिखो एटी ए नेट इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। 90 डिग्री पे होंगे तुम्हारा हो जाएगा, तो हमेशा 80 और यार हमेशा 90 डिग्री पे होंगे। एक्सेलरेशन नेट इज इक्वल टू बी की पावर 4 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका अंडर रूट, ठीक है। ध्यान समझना बात, पूरा बहुत आसान सी है। अच्छा, AT और AR दोनों को कौन प्रोवाइड कर रहा था, फ्रिक्शन। अगर ये हमारा रिजल्टेंट इधर है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी किधर होगा, यही इसी सेम डायरेक्शन में जिधर A net की डायरेक्शन है। तो ये भी अपनी लाइन में लिख लो, फ्रिक्शन विल बी इन द सेम डायरेक्शन एज A net। लिख, छोटी छोटी चीजें हैं लिखते जाओ, तुम्हारे काम आएंगी जब भी हम रिविजन करेंगे, ये हमें दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। दोबारा मतलब जब NLM पढ़ेंगे, अभी एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। Friction will be in the same direction as in the direction of A net. Abhi friction do direction mein lag raha tha, ab to resultant to ek direction mein aayega, theek hai। F is equal to क्या होता है, मान लो फ्रिक्शन का इस एक्सीलरेशन के अकॉर्डिंग अगर कार का मास m है, तो अगर हम फ्रिक्शन निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, m into v की पावर 4 upon r square plus a square का रूट। सर ये फ्रिक्शन है कि फोर्स, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो नहीं, स्मॉल एफ हमेशा फ्रिक्शन ही रिप्रेजेंट करता है। सर ये m कहां से है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। फ्रिक्शन नेट इस डायरेक्शन में है, उसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला किया है। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एम जी। ये फ्रिक्शन हमें चाहिए, ये हमेशा किससे छोटा होगा, म्यू एम जी से, लेस देन म्यू एम जी, ठीक है। m से m कैंसिल हो गया, किसका तो क्यों चाहिए न्यू mg से, क्योंकि वेलोसिटी हमें वहां पर चाहिए होती किसी टर्न पर। हम तुम कार चला रही हो तो 300 की स्पीड से हम नहीं भाग सकते ना वहां पे, एक लिमिट होगी ना कि कितनी लिमिट से हम, तो वो हम वेलोसिटी की वो लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं कि कितनी मैक्सिमम लिमिट से हम टर्न ले सकते हैं, ठीक है। आगे का म्यू का किसका म्यू, इसका, इसमें जरूरत ना m into a किया है हमने। ये नेट एक्सीलरेशन है, ये नेट एक्सीलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन। तो इस फ्रिक्शन का हम इस m into a करके हमने इसका सिंपली मैग्नीट्यूड निकाला है। इसको सॉल्व करो अपने आप, थोड़ा सा v की पावर 4 अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू म्यू स्क्वायर g स्क्वायर। तो v की पावर 4 अपॉन r स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू म्यू स्क्वायर g स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। v की पावर 4 r स्क्वायर इधर आ गया, म्यू स्क्वायर g स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू r स्क्वायर म्यू स्क्वायर g स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टोटल पावर 1 बाय, ये हमारी मैक्सिमम स्पीड है जिससे वो जा सकता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सा। इसमें सर क्वेश्चन कैसे देंगे, करेंगे इस क्वेश्चन, वो स्पीड जिससे हम क्रॉस कर सकते हैं, इससे ज्यादा स्पीड नहीं हो सकती, मिनिमम तो जीरो हो सकती है ना। ये तो क्लियर है दिमाग में कि हम टर्न पे खड़े हो जाए गिरेंगे नहीं, हम कार को टर्न पे खड़ा कर दें गिरेंगे नहीं, ठीक है। सर उस इक्वेशन में m कैसे आया, फिर m से ये फोर्स इज इक्वल टू m इनटू a होता है, a निकाल चुके थे हम, m से मल्टीप्लाई कर दिया फोर्स आ गया। ये वो है जो ये एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, और मैक्सिमम वहां ये हो सकता है। तो ये दिस वैल्यू विल बी ऑलवेज लेस देन दिस वैल्यू, ठीक, लिख लिया। आप जरा ध्यान से समझो कि, अच्छा एक बात बताओ, कार कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है जो केस तुमने पहला पढ़ा था, और दूसरा केस है कि कार एक्सीलरेटेड वेलोसिटी से जा रही है, तो किस में स्किड करेगी जल्दी, एक्सीलरेटेड से। चलो उसमें तुम्हारी कितनी वैल्यू आई थी, म्यू आर जी, और इसमें आर स्क्वायर, इसमें देखो तो उससे ये वैल्यू छोटी है या बड़ी है, छोटी छोटी है,
मतलब उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी हम ज्यादा अटेन कर सकते हैं, और इसमें हम अगर एक्सीलरेट कर रहे हैं तो हम जल्दी फिसल जाएंगे बाहर की तरफ। इसीलिए मतलब जो रेस वगैरह करते हैं ना, हम ही लोग गाड़ी चलाते हैं तो टर्न पे एक्सीलरेट बहुत कम करते हैं, टर्न से पहले तक ही एक्सीलरेट करते हैं, फिर एक्सीलरेशन करना उसको बंद कर देते हैं जिससे कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे चले और हम आराम से टर्न ले सके। वो तो नेचुरली होता है, सिखाना नहीं पड़ता है किसी को। देख लो इन केस ऑफ वहाँ पे ये सब की जरूरत अभी बैंकिंग ऑफ नहीं तो कह सकते लिखो इन केस ऑफ एक्सीलरेटेड मोशन, इन केस ऑफ एक्सीलरेटेड मोशन द कार विल स्लिप अर्लियर। अब यहाँ तुम्हें पहली जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्लियर होनी चाहिए कि कार को बाहर की तरफ फेंकने वाला कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसका मैग्नीट्यूड कितना, mv स्क्वायर बाय r। जो तुमने दोनों केसेस पढ़े हैं उसमें कौन उसको बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शन। अब सोचो कि बैंकिंग ऑफ रोड की नीड क्यों पड़ेगी, ध्यान से सुनना, बैंकिंग ऑफ रोड की नीड क्यों पड़ी। नॉर्मल रिएक्शन का कहीं कोई रोल प्ले ही नहीं हो पा रहा है। रीजन क्या है कि कार पर नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल ऊपर लग रहा है और एमवी स्क्वायर बिल्कुल इधर लग रहा है, तो बैलेंस करने का कोई एक कुछ भी बैलेंस नहीं होना क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे हैं, ठीक है। तो ये सोचा गया कि अभी समझना, इस केस में एमवी स्क्वायर आर को कौन बैलेंस कर रहा था, फ्रिक्शन। मान लो किसी रोड पे फ्रिक्शन नहीं है बिल्कुल, ऐसा हालांकि ऐसा नेचुरली होता नहीं है, फ्रिक्शन तो होता ही होता है। हम कह रहे हैं कि मान लो कि म्यू इज इक्वल टू जीरो है हमारा, क्या उस सिचुएशन में भी किसी टर्न पर कार बैलेंस हो सकती है, बिल्कुल बैलेंस हो सकती है। हम उसमें क्या करें, नॉर्मल जो हमारा ऐसे लग रहा था उस नॉर्मल को थोड़ा सा टिल्ट कर दें तो उसका एक कंपोनेंट एमवी स्क्वायर आर के अगेंस्ट में आ जाएगा जिसको वो बैलेंस कर देगा, तो कार हमारी नहीं गिरेगी। तो बहुत सारी मतलब तुम हिल स्टेशन में जाओगे तो वहां तुम्हें लिखा मिलेगा कि दिस रोड इज बैंक्ड फॉर 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब वहां तुम 20 किलोमीटर पर आवर पर विदाउट फ्रिक्शन से भी मूव कर सकते हो उस जगह पर। तो पहले केस लिखो बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो उस बोर्ड में ये कहना चाह रहा है कि 20 किलोमीटर पर आवर मतलब सेफ लिमिट है, सेफ लिमिट। इसके नीचे चला सकते हो, इसके ऊपर नहीं। इसके नीचे चला दोगे तो नीचे चले जाओगे, ऊपर भी चले जाओगे तब भी चले जाओगे। दैट इज क्रिएटेड बैंक्ड फॉर, That is created मतलब banked for only 20 किलोमीटर पर आवर। जरा सी भी तुम इधर उधर गए तो ऊपर का स्लो हुई तो चला गया, नीचे भी चला जाएगा जब उस नेसेसरी बैलेंस नहीं होगा ना, उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर पाएगा। लिखो केस, लिखो बैंकिंग ऑफ द रोड। जाना ही नहीं है जैसे से राइट चाहते उत्तराखंड में ही हो गया ना, डर लगता है। अरे बहुत नया रोड है यार वहां से। बैंकिंग ऑफ रोड लिखो, फर्स्ट लिखो, जल्दी करो, टाइम नहीं वेस्ट करो, ये खत्म करके हमें वर्क पावर एनर्जी पे बढ़ना है। सब पढ़ेंगे ना, 10 मिनट लगने, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ध्यान से बात समझना फिर से कि अभी तक तुमने जो दो केस पढ़े, पहला केस पढ़ा, पहले जो दो केस पड़े क्या उनमें बैंकिंग थी, नहीं थी। तो उस सिचुएशन में अगर बैंकिंग नहीं है तो कार को बाहर कौन ले जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको बैलेंस कौन करता है, फ्रिक्शन। ये ध्यान रखना क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और उसके बाद अगर एक्सीलरेटेड मोशन है तो वो जल्दी बाहर की तरफ भागेगी, और उसका तुम्हें प्रूफ याद नहीं करना है, उसका मैं प्रूफ करना या क्वेश्चन करना आना चाहिए, सेम वही तरीका है क्वेश्चन करने का, और कोई खास नहीं, उसको तुम्हें याद नहीं करना है। हाँ, तो इसमें फर्स्ट केस लिखो, इफ देयर इज, ऐसे लिख लो, इफ म्यू इज इक्वल टू जीरो, पहला केस। अगर म्यू हमारा जीरो, बनाओ एक रोड, बैंक रोड, थोड़ा सा उठी हुई, रेलवे ट्रैक भी उठे हुए होते हैं थोड़े से, ये सामने तरफ आ रही है, क्रॉस मतलब क्या होता है,
अंदर की तरफ जा रही है, हम पीछे से देख मतलब कहीं जा रही है एम जी कहाँ लगेगा जितनी देर बतलाते हो उधर में बीडी बना डाला करो कार पता करनी थी फ्रिक्शन है नहीं ना फ्रिक्शन जीरो रख देंगे तो वो तो बेसिक चल गया नहीं क्यों भी सही है दिस इज नॉट नेसेसरी एक ब्लॉक को तुम अगर रखो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है एक ब्लॉक को तुम अगर रखो तो एक लेवल पे वो फ्रिक्शन ना भी हो तब भी बैलेंस हो जाएगा बिना फ्रिक्शन नहीं हो तो चलेगी नहीं चलेगी वैसे क्यों नहीं चलेगी बहुत सारी चीजें इस एंगल पर डिपेंड करती हैं तुम फ्रिक्शन लेस सरफेस भी बना दो प्रैक्टिकली होता नहीं है चाहे जो भी सरफेस हो उसमें इस पे डिपेंड करता है इस एंगल पे हम बहुत माइनर सा एंगल ले लेंगे और नीचे कर देंगे हॉरिजॉन्टल से एक डिग्री पे कर देंगे कहाँ स्लिप होगा हम बताओ क्या सोच जैसे अपन पहिए थे जब अपन ग्रिप लगाते तो जब ही चलते बिना फ्रिक्शन के तू ये सोच रहा है कि अरे हम धक्का दे देंगे चलने लगेगी हां बाहर बहुत ठीक है फ्रिक्शन की चलेगी एम वी स्क्वायर आर एन ये था क्यों लगेगा अरे अच्छा हां कार पीछे से देख रहे हैं एन हमारा ऐसे है ये सब हमेशा परपेंडिकुलर रहना मतलब एन जी जितने भी ये बोल रहे हैं MG नीचे लगता है नहीं नहीं ये सेंटीमीटर हाँ हमेशा बाहर की तरफ लगेगा बाहर वो भी तुम्हारा ये जो सरफेस है ना इसके पैरेलल बाहर पैरेलल बाहर की तरफ ठीक है हाँ तो अवस्थी कहाँ गए पाठक जी N का कौन सा कंपोनेंट इधर होगा कौन सा किधर होगा N का हाँ N का सर अच्छा चलो ठीक कोई बात नहीं ये एंगल कितना होगा ये वाला 90 डिग्री अबे ये एंगल पूछ रहे हैं मुझे मान लो थीटा वो सर है हम ये पूछ रहे हैं कि ये एंगल कितना होगा समझ नहीं पा रहे अरे चाइनीज बोलने क्या कितना होगा यार समझ नहीं पा रहे गधे यार ज्योमेट्री तो आती छठे सातवें आठवीं क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर दो तो कितना होगा देखो कौन कौन से घटाओ थोड़ा कौन कौन सा एंगल कौन सा होगा चलो इधर देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल है हाँ। अगर तुम ऐसे लाइन बनाते हो तो ये एंगल कितना होगा थीटा ये कितना होगा 90 माइनस ये कितना होगा थीटा अभी एक थोड़ा सा आगे जब प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत अच्छा होता है कि अल्टरनेट सारे एंगल थीटा ही होते हैं जब एफबीडी बनता है सारे एंगल सर इतना ज्यादा खास तुम्हें वो नहीं करना है ये तुम्हारा हो गया था भी ये कितना हो जाएगा n cos थीटा यार बात नहीं किया करो यार फालतू किया है n sin थीटा इक्वेशंस लिखो जल्दी अपने आप कौन किसके इक्वल है अवस्थी एन साइन थीटा किसके इक्वल है एम वी स्क्वायर लिखो बैठे गए हो सेठ की तरीके एंड आर बैठे वहां एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर और एम कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी जी दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो वी की वैल्यू निकाल दो v is equal to under root 10 theta r ठीक है एंड डायगोनल से स्क्वायर बना देते नहीं तो का ही इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं चाहे जेई में हो चाहे नीट में हो तुम्हें क्वेश्चन इस तरीके से गिवन होगा कि द रोड इज बैंक्ड फॉर 20 किलोमीटर पर आवर तो मतलब तुम्हें किसकी वैल्यू गिवन है rg tan थीटा की वैल्यू गिवन रहे हो हम बाकी चीजें डिस्कस करेंगे अच्छे से पेपर के बारे में लिखो आएगा तुम्हारा दिमाग यही मुंह लगा रहता है कि आएगा सब आएगा हमने क्वेश्चन भी दिया इस पे
लिखो सर और लिखो इफ देयर इज रिटन इफ देयर इज रिटन कुछ भी लिख लो 20 30 40 किलोमीटर पर आवर बोल दो सर आप क्वेश्चन रिटन इज क्वेश्चन इफ रिटन इफ देयर इज गिवन रिटन गिवन यार there is given the road is banked for twenty kilometer per hour. That means RG tan theta under root is equal to 20 kilometer per hour. ठीक है ध्यान रखना है सब छोटी छोटी बातें. ठीक है एक एक बात क्योंकि NLM में यही एक टॉपिक ऐसा है जो थोड़ा सा परेशान करता बाकी सब तो इक्वेशन ऑफ मोशन वर्क एनर्जी थ्योरम बाकी सब चुटकियों वाला काम है आर्य सब लगा लेती है ना? देखो फिर से समझ लो आर्य रोड अगर बैंक नहीं थी तो गाड़ी को बाहर कौन ले जा रहा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसकी वैल्यू कितनी mv स्क्वायर बाय r उसको बैलेंस कौन कर रहा था फ्रिक्शन ठीक है और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो उसमें वेलोसिटी कितनी आई थी म्यू आर जी अंडर रूट उसके बाद अगर कांस्टेंट एक्सीलरेटेड मोशन है तो गाड़ी जल्दी स्किड करेगी फिर उसका लंबा चौड़ा सा एक एक्सप्रेशन आया था वो भी अगर तुम याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है जितना याद कर लोगे तुम्हारे लिए अच्छा है जितना याद कर लोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है ध्यान रखना क्योंकि एक दो दो मिनट इंपॉर्टेंट होते हैं मान लिया प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है ठीक है तो कोई बात नहीं तो मत याद करो हाथ से प्रैक्टिस में अच्छी बात है फिर उसके बाद अगर बैंकिंग ऑफ रोड करी है हमने म्यू जीरो है तो वहां पर वी की वेलोसिटी आर जी टेन थीटा अंडर रूट मतलब गिवन रहता है बैंक फॉर समथिंग समथिंग क्योंकि ऐसा होता है ना जैसे कि हिली एरियाज में सभी के टायर्स एक जैसे नहीं होते किसी के बहुत स्लिप टायर्स हैं स्लिप टायर है तो वो म्यू की कितनी तरफ जा रहा है जीरो की तरफ जा रहा है ना वो और किसी की ग्रिपिंग अच्छी है तो उसे दिक्कत नहीं है नहीं टायर डलाए गाड़ी ना अरे सर वो कह रहा है जिसके प्राण है उसमें सर म्यू कम लगेगा बहुत अच्छी बात बताइए नेक्स्ट लिखो बैंकिंग ऑफ बैंकिंग विद द फ्रिक्शन बैंकिंग विद द फ्रिक्शन सर अभी तक दो चीज पढ़ रहे थे अब देखो इसलिए बैंकिंग आ रहे स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ा रहे हैं तुम्हें दिक्कत ना ठीक है सर ये बुक में से हम कर देते तो सब सीता नाम हो जाए कॉमर्स पढ़ रहे अच्छा सर अपन न्यू जीरो से ले रहे हैं ना मतलब आप हमारे नीचे चल जाएंगे हां डायग्राम बनाओ फिर से थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाना क्योंकि इसमें कई सारे फोर्सेस हैं बैंकिंग विद और सपोर्ट करेगा जाओ आगे बढ़ो चलो सारे फोर्सेस बनाओ अपने फिर वो एक्सेलरेशन हो जाएगा टाइम लो सारे फोर्सेस बनाओ पहले मेन मेन बना लो n बन जाएगा तुम्हारा हां mg बन जाएगा mv स्क्वायर बाय r बन जाएगा और फ्रिक्शन किधर लगेगा फ्रिक्शन सर अंदर की साइड मतलब नीचे या ऊपर नीचे यहां नीचे क्योंकि गाड़ियां हमेशा बाहर की तरफ स्किड करती तो फ्रिक्शन तुम्हारा इधर बनेगा अब उसके बाद देखो क्या करना होता है सारे फोर्सेस बना लो जो बेसिक बेसिक होते हैं n बना लिया तुमने या mv स्क्वायर बाय r इधर गाड़ी कहां जा रही है गाड़ी कहां जा रही है अंदर फ्रिक्शन होता है हम हाँ काइनेटिक फ्रिक्शन ठीक है तुमने सारी डायरेक्शन में n इधर बन गया mg इधर mv स्क्वायर बाय r इधर f इधर फिर एक ये थीटा तुमको गिवन है इसके बाद तुम्हारा काम क्या होता है कि ऐसे और ऐसे में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस के कंपोनेंट्स को लिखना लिखो अपने आप कोशिश करो इस बार mg के भी लिखने हाँ इस बार सबके लिखने हैं मतलब f को छोड़ करके बाकी सबके कंपोनेंट आएंगे f को मतलब फ्रिक्शन वाले फोर्स को छोड़ करके बाकी सबके कंपोनेंट आएंगे फ्रिक्शन तो इस डायरेक्शन में है ही ना हमें ऐसे और ऐसे कोई डायरेक्शन होगी उनमें स्टडी करना है एक तुम्हारी डायरेक्शन बनेगी ये वाली एक बनेगी ये वाली जिनमें हम स्टडी करेंगे परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल करो हां बिल्कुल आएगा n निकाल लिया f लिखो f क्या होगा f इज इक्वल्स टू हो जाएगा mv स्क्वायर बाय r cos थीटा और भी कुछ होगा उसके साथ में mv cos थीटा sin थीटा इक्वल है वो
इक्वेशन क्या आ रही है, पहली इक्वेशन n इज इक्वल टू आ रही है एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, f की वैल्यू आ रही है एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, किसकी किसकी आ गई माइनस आएगा ठीक है चलो पाठक। हाँ सर। ये एंगल कितना थीटा? ओके ये एंगल कितना? ये 90 माइनस थीटा, अच्छा ये भी थीटा। ये कितना? ये थीटा। चलो ठीक, वो भी थीटा। ये एम बी स्क्वायर बाई आर, एक एक को देख लो। हमें पहले तो ये समझ लो कि हमें कौन कौन से डायरेक्शन में फोर्सेस की एफबीडी को लिखना है। एक ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन, तो सारे फोर्सेस हम इधर और इधर देख ले, हमारा काम बन जाएगा बस। ठीक, एम बी स्क्वायर बाई आर ये हो गया। एन का निकाल दोगे तुम? एन इज इक्वल टू, एन की तो जरूरत पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी हम बता रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, ये एम जी है, ये एंगल कितना होगा? ये एम जी है तो ये कितना होगा? एम जी कॉस थीटा। और इधर क्या होगा? हो गए सारे, और किसी की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब तुम यहाँ गौर से देखो, ये थ्रीटा इसको छोड़ दिया, ये थ्रीटा इसको छोड़ दिया, ये थ्रीटा, और जरूरत होती थी इसको छोड़ के ये वाला थ्रीटा, फिर इसको छोड़ के ये थ्रीटा। बात समझ रहे हो? मतलब अगर कभी तुमको इस तरीके का कोई प्रॉब्लम मिलती है तो यहाँ तो ये थ्रीटा है, तो एम जी के जस्ट बगल वाला कौन कितना थ्रीटा, फिर उसको छोड़ के दूसरा थ्रीटा, उसको छोड़ के फिर थ्रीटा, फिर यहाँ छोड़ोगे ये थ्रीटा, इसको छोड़ोगे ये भी थ्रीटा। एक दो तीन चार, ये सही कहता है सर। और फ्रिक्शन के साथ में देखो, एफ के साथ में लग रहा है एफ प्लस एम जी साइन थ्रीटा, और उस तरफ है एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस थ्रीटा, एफ इज इक्वल टू हमारा आ गया एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस थ्रीटा माइनस एम जी साइन थीटा। ये वो फ्रिक्शन है जो हमें कार को बैलेंस तरीके से लेकर के जा रहा है, क्योंकि हमने इक्वेशंस को बराबर लिखा है, है ना? तो ये वो फ्रिक्शन है जो कार को बैलेंसिंग तरीके से बैंकिंग ऑफ द रोड में म्यू के साथ में लेकर के जा रहा है। जो चाहिए होता है मैक्सिमम से क्या होता है? कम। तो मैक्सिमम के केस में ध्यान रखना, एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन लिखते हैं, हर बार म्यू इंटू एम जी मत लिख देना। तो ये तुमने जो f लिखा है, f is equal to mv square by r cos theta minus mg sin theta, ये किससे less होगा? mu into n से। और n की वैल्यू कितनी है? mg cos theta। पुट करो वैल्यू, तो तुम्हारा mv square by r cos theta minus mg sin theta less than or equal to mu, n कितना है? mg cos theta plus mv square by r sin theta। ठीक है, तो देखो कि m सबसे कैंसिल हो जाएगा, m सबसे उड़ गया, तो हमें v की वैल्यू चाहिए, तो v वाले टर्म एक तरफ कर लो, बाकी सारे टर्म एक तरफ कर लो, तो v का तुम्हारा एक टर्म ये आ गया v square by r cos theta, ठीक है, और minus mu v square by r sin theta, which is less than or equal to mu g cos theta plus g sin theta, okay?
तो यहाँ से तुम्हारा जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, बी स्क्वायर बाई आर कॉमन आ गया, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा विच इज लेस देन और इक्वल, यहाँ से जी कॉमन आ जाएगा म्यू कॉस थीटा। यार कैलकुलेशन देखते रहना, पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कहीं गलती हो तो बता देना। अब सर जैसे अपन ने वो पिछले वाले क्वेश्चन में इसको सॉल्व करा था वैसे उसी तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बस कुछ नहीं आ गया ना, v = कितना नहीं, आ जाएगा हां उसमें r * g g निकालना है, आ गई r g μ g tan θ, v आ गया तुम्हारा 1 tan r less than or equal to r g ऊपर है μ cos θ प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा का, ये एनसीईआरटी में पूरा ऐसे हां वो कॉस डिवाइड करने का आ जाएगा उसमें से सारे थोड़ा सा बस लेखा नहीं एनसीईआरटी में ये है नहीं सर ये फॉर्मूला ऐसा ही है एनसीईआरटी में ऐसे ही है अभी एनसीईआरटी में पूरा ऐसे ही है पूरी कथा को ठीक है अभी जब तुम आगे पढ़ोगे क्वेश्चन सर तो हमने पहली जो ब्लैक लाइन लिखी वो कैसे ये फ्रिक्शन हम यही तो करते चले आ रहे हैं जितने भी तुमने पार्ट किए हैं ये फ्रिक्शन पूरा वो है जो हमने कैलकुलेट किया है मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होगा म्यू एन और ये हमेशा किससे होगा उससे छोटे होगा ठीक है ये वो वेलोसिटी है जिससे हम मैक्सिमम जा सकते हैं इसके ऊपर गए तो हम खाई में गिरे मिलेंगे मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है जीरो तो इसकी रेंज अगर पूछी जाती है तो ये वी मैक्स है और अगर तुम्हें वी की रेंज लिखनी है तो जीरो से एकदम सीधी बैंकिंग होती है बैंकिंग वगैरह में जो रोड कंस्ट्रक्शन होता है बहुत साइंस लगती है उसमें कितना कहां पहाड़ों पे ऐसे ही नहीं हो जाता ठीक सिविल इंजीनियर बनाते हैं बहुत कम आगे सिविल इंजीनियर यूपीएससी ज्यादा सिविल इंजीनियर बन जाओ भाई साहब तो सर बदल बदल दो अभी बदल लो स्विच ठीक है अब एक चीज जरा तुम लोग थोड़ा सा पीछे देखो क्या है सर हमारी बड़ी आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं ओके देहरादून में अच्छे सारा अभी कॉलेज इसके घर में इसके अलावा सबके अचीवमेंट है नहीं अच्छा लड़का है करे हो मेहनत करते है भरोसा है देखो इससे पहले तुम्हारा जो ये सब कहानी आ रही है इसमें थीटा डिपेंड कर रहा है और भी डिपेंड कर रही है आर पे है ना तो मतलब आर जितना ज्यादा होगा टर्न पे उतनी ही ज्यादा हम स्पीड रख सकते हैं आर रोडों में कहां से लिया जाता है आर जो तुम ये रहता है ना उसका कहीं तो सेंटर होगा जाके ना तो वो आर वो है वहां से अब ये भी मतलब नहीं है कि 5 किलोमीटर का हमने रेडियस ले लिया पता लगा मुड़ते ही चले जा रहे हैं मुड़ते ही चले जा रहे हैं ऐसा नहीं है आर हम एक इतना सफिशियंट लेते हैं कि यहाँ से बी मैक्स हमें डिपेंड कर रही है आर पर थीटा पर और म्यू पर भी डिपेंड कर रहा है तो ये पूरा बैंकिंग ऑफ रोड है तो जो तुमने सारे देख लिए केसेस कि अगर बैंक नहीं है इन दैट सिचुएशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार को स्पीड करती है बाहर की तरफ और उसको बैलेंस करता है फ्रिक्शन ठीक है और उसके बाद दूसरा केस क्या पढ़ा था हमने कांस्टेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेटेड वो देख लिया फिर बैंकिंग ऑफ रोड अगर हमारे पास म्यू जीरो है तो क्या होगा अगर म्यू है हमारे पास में तो ये अब तुम्हें इसमें कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से नहीं लिख लो दूसरे तरीके से पढ़े टाइम हो रहा है 6:10 देखो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में कल जो हम लोगों का एक डिस्कशन हो रहा था तो घर जाके हमें उसमें एक चीज सूझी कि एक्चुअल में वो MG बाहर की तरफ झुकता क्यों है ना उसका रिप्लाई जैसे नहीं समझ में आ रहा था क्या सर हमने 2-3 बार कितनी बार पूछा हां तो उसमें स्ट्राइक नहीं कर रहा था बहुत सिंपल सा आंसर है इनर्शिया 3 टाइप का होता है
एक इनर्शिया, उनमें से एक इनर्शिया कौन सा होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो अगर हम फोर्स अंदर की तरफ लगता है तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ऑटोमेटिकली किधर लगता है, वो हमारे सेंटर ऑफ मास को दूसरी तरफ झुकाएगा। सिंपल सी बात है ना, उसका सिंपल आंसर। लेकिन हम उसको आज दूसरे तरीके से पढ़ेंगे जो बहुत आसान तरीका है। हम झुकाते क्यों है ये तो तुम्हें समझ में आ गया था, बैलेंस करने के लिए, झुकाने के लिए जो कंडीशन बनती है उसके लिए लिखो। देखो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट डाल लिया, डी बनाओ जल्दी से डायग्राम। रोड है, बहुत ज्यादा ही अच्छे से पद्मासन लगा के बैठा है। ठीक है, ऊपर वाला हम नहीं बनाना पसंद करेंगे। जैसे तुम्हारी इच्छा हो, ये हमें अच्छा लग रहा है सर की आर्टिस्टिक फीलिंग जग गई एकदम से। आर्टिस्टिक फीलिंग नहीं बना नहीं पाएंगे हमारे अंदर नहीं सर के अंदर। देखिए मैं कोई मर जाए कोई साइकिल तो गिरी ना रही। चाचा चौधरी साबू की साइकिल पर बैठे। ठीक है चलो जल्दी देखो इधर एन किधर लगेगा। ठीक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा। अब ये चीज तो कंफ्यूजन कभी तुम्हें नहीं आएगा। एम वी स्क्वायर बाई आर हमेशा किधर लगेगा, और वो लगता है सेंटर ऑफ मास मान लिया हमने यहाँ पर है। ठीक है फ्रिक्शन mv स्क्वायर r को यहां कौन बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन किधर, अंदर की तरफ। वही तो क्या बेटा कलर वन पीडल के टर्म्स में पढ़ रहे थे, एक्चुअल के टर्म्स में पढ़ रहे हैं। किसके टर्म में, ट्यूबल सेंट्रीफ्यूगल पढ़ रहे थे कलर। हमने कहा ना दूसरे टर्म में तुम पढ़ा यार, आज कुछ अलग करते थे। कौन किसके इक्वल है जल्दी लिख लो। फ्रिक्शन अंदर के l is equal to mv। अगर फ्रिक्शन इधर लगेगा तो बेकार ही गिर जाएगा ना। ये mv स्क्वायर बाई r को बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स तो होना चाहिए ना, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इसमें टिल्ट रोड साइकिल के लिए रोड झुका नहीं सकते हम। मतलब अगर साइकिल लेके जा रहा है तो मतलब मोहल्ले की रोड ऐसे है। ठीक है तो यहां कौन-कौन बैलेंस है जल्दी लिख लो। n is equal to mg और f is equal to mv स्क्वायर बाई r। सिंपली हमें दिख रहा है अभी साइकिल रुकी है, हमें नहीं पता बेटा। I have no idea। अबे रुकी होगी तो वो झुकेगा क्यों यार? रुकी होगी तो पैडल पे पैर क्यों रखेगा? हाँ पैडल पे पैर चाहिए, उसकी टांगे और लंबी बनानी पड़ती है। अब देखो साइकिल अगर गिर नहीं रही है, रोटेशन से कनेक्टेड चीज है, साइकिल अगर गिर नहीं रही है तो उसका टाउ नेट कितना है? जीरो। मतलब उसमें टाउ नेट जीरो है। तो लिख लो फॉर बैलेंसिंग या फॉर इन इक्विलिब्रियम, फॉर in equilibrium tau net is equal to, ठीक है tau क्या होता है, tau 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 बड़े tau tau क्या। ठीक है अच्छा tau net यहां पर जीरो है। अच्छा टॉर्क किसके हेल्प से निकालते हैं, फोर्स के हेल्प से। अगर टॉर्क नेट जीरो है तो यहाँ चार फोर्सेस हमें दिख रहे हैं ना, चारों फोर्सेस को ऐड करके टॉर्क कितना होगा, जीरो। ठीक है तो लिखो टाउ ऑफ एन प्लस टाउ ऑफ एम जी प्लस टाउ ऑफ एफ प्लस टाउ एम बी स्क्वायर आर इक्वल्स कितना, जीरो। टॉर्क के केस में हम लोगों ने एक स्पेशल चीज पढ़ी थी कि टॉर्क हम अपने मन मुताबिक किसी भी पॉइंट से निकाल सकते हैं, और हम पॉइंट कौन सा चूज करते हैं जहां से फोर्सेस बहुत सारे जीरो, कम सेंटर ऑफ मास के अराउंड चलो टॉर्क निकालते हैं। और हमें हमने एक चीज ये भी पढ़ी थी कि अगर जिस पॉइंट पर टॉर्क निकाल रहे हैं अगर वहीं पर फोर्सेस लग रहे हैं तो उनका टॉर्क कितना होगा, जीरो। तो टाउ एम जी और तुम्हारा टाउ एम बी स्क्वायर बाय आर कितना हो गया, जीरो। तो tau तुम्हारे पास बचा क्या, tau of n plus tau of f is equal to tau n plus tau, सही तो आ गया ना tau n plus tau, सही दोनों जीरो थे। यहां से हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, और tau is equal to होता क्या है, r cross f, और हम किसी ने किसी पॉइंट के अराउंड ही कैलकुलेट करते हैं, उसकी डिस्टेंस होती है।
तो हम इस फोर्स को यहीं पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? जीरो. तो इनका और इनका टॉर्क हो गया जीरो. और उसका टॉर्क क्यों हो गया जीरो? उसकी तो यहां से वो भी तो यहीं से लग रहा है, वो तो डायरेक्शन में है, कहां लग रहा है. ठीक है, बात समझ में आ गई? ध्यान समझना. देखो अब हमारे पास दो फोर्सेस बचे, एक ये वाला फोर्स बचा और एक ये वाला फोर्स बचा. ध्यान समझना, बहुत सिंपल सी बात है, थोड़ी सी ट्रिकी. साइकिल को बैलेंस रखनी है तो इन दोनों का टॉर्क क्या होना चाहिए? जीरो. टॉर्क जीरो अगर हम उसी पॉइंट से पास करा दें तो कितना हो जाएगा? तो इनका इनका रिजल्टेंट अगर हम इस जगह से पास करा दें तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा? जीरो. और साइकिल हमारी कैसी रहेगी? इक्विलिब्रियम. सिंपल सी बात. तो आप समझो बात को, गिरेगा कब? अगर उसका इन दोनों का टॉर्क का जो रिजल्टेंट आ रहा है अगर वो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा है तो गिर जाएगा, और अगर वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है तो बैलेंस रहेगा. तो उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक ही थीटा आएगा. ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? F by N. लिख लो tan थीटा इज इक्वल टू F by, लैंग्वेज लिख लो जरा एक मिनट, लैंग्वेज लिख लो. बहुत अच्छा राइट. लिखो टू बैलेंस द टॉर्क ऑफ tau n एंड tau f. लिख लो टू बैलेंस द tau n एंड tau f, द रिजल्टेंट ऑफ दीज टॉर्क्स मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास. क्यों? क्योंकि हमने अपने पूरे कैलकुलेशन में टॉर्क को फाइंड आउट करने के लिए पॉइंट कौन सा लिया था? सेंटर ऑफ मास. तो वहीं से पास करना चाहिए, तभी जीरो होगा, अदरवाइज वो जीरो नहीं होगा. और अगर ये जीरो नहीं होगा तो टाउ नेट जीरो नहीं होगा, तो वो घूम जाएगा, गिर जाएगा. ठीक है, बात क्लियर हो गई ना? तो उसके लिए हमारा एक ही थ्रीटा होगा. तो वहां से टेन थ्रीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? एफ बाई एन. इक्वेशन में तुमने लिखा होगा f किसके इक्वल है और n किसके इक्वल है, वैल्यू पुट करो, tan थीटा आ जाएगा. करो जल्दी. f किसके इक्वल था? mv स्क्वायर बाय r के, और n था इक्वल mg के. v स्क्वायर बाय r, यही हम लोगों ने कल भी निकाला था, यही हम लोगों ने कल जब पढ़ा था तो यही निकाला था. आज हमने कुछ डिफरेंट और इजी तरीके से पढ़ा. इजी है आ जाएगा. हमें बहुत टेंशन हुई रात भर कि तुम्हें समझ में नहीं आया क्या कर रहे हो. सच में ठीक है, फिर इसके बाद हेडिंग डालो मौत का कुआं. अरे डालो हेडिंग. आज ये जितने भी टॉपिक होते हैं ना वो खत्म ही कर दो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी. सारे सब स्टूडेंटों को क्या बताना था आज समझ में आया. अरे अरे छोड़ देख के छोड़ चुकी. जो तुम कल पूछ रहे थे ना कि एमजी क्या करता है, तुम पर मौत के कुएं में आज वो हम समझेंगे. पाठक इसमें कोई हंसने वाली बात थी? यही तुम्हारी खुल के हंसो? नहीं है कोई नहीं. खुल के हंसो एक बार. ब्राह्मण की तुम्हें बस करो बस लज्जा. सर मिला मर्यादा पान में कहेंगे. हमने मान लिया कि सिलेंड्रिकल, हालांकि वो सिलेंड्रिकल नहीं होता, वो लोग ऐसे और शेप चेंज रहा. बकेट से बनो. बकेट से उसका बड़ा कॉन्फिडेंट नहीं चल रहा. नहीं चल रहा है ना, चलाई थी मोटर का सर्कल. हाउ कार आदि पीछे आदि से चलता है उसका से कांस्टेंट वेलोसिटी का होता है. I got it. You sir, थोड़ी सा इंक्लाइन दीजिए सर. हाँ, अबे क्या चल रहा है बाकी में? सर दीवाना. थोड़ी सा इंक्लाइन दीजिए तो सर. छोटी हूँ. बड़ा छोटी. हमने मान लिया था. ऐसे बैठने से कम नहीं. नहीं भाई ऐसे. हाँ ठीक है. दीवाना.
साइंस अच्छा आर सी चलो बताओ इधर नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा इसमें इस तरह में से हां बहुत सारे के जरिए पहाड़ की तरफ सरफेस की तरफ सर लेकिन सर एक सेकंड सर वही तो हम कह रहे हैं एक चीज ये देख कर नीचे रहेगा पहले एमजी बनो एमजी तो नीचे बन साइकिल अच्छा यहाँ पे ही है हम सर कैमरे के साइड कार्ड बिल्कुल दिख रहा है तो हमें लगा आपने बनाया ही नहीं सिंपल सी देखो घर से देखो आओ नहीं दिख रहा हमें एक्शन बाहर लग गया ना वाला कह रहा हूँ डेथ ऑफ सेंट्रीफ्यूगल किधर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल सर बाहर साइड लगाओ एमवी स्क्वायर बाय आर सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कौन करेगा फ्रिक्शन मनो फ्रिक्शन इधर लगेगा वही तो हम देख रहे हैं कौन क्या बनाता है फ्रिक्शन किधर लगेगा ऊपर पे ऊपर सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपेटल को फ्रिक्शन बैलेंस करेगा नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन करेगा नॉर्मल रिएक्शन करेगा वही सर हम एमजी कहाँ लगेगा नीचे एमजी को कौन बैलेंस करेगा फ्रिक्शन किधर लगेगा ऊपर बात समझ में आ गई दबी दबी नीचे नहीं गया सारी इक्वेशन लिखो कौन किसके इक्वल है F is equal to किसके है? M D और N is equal to M D square ठीक तो भाई ऐसी क्वेश्चन बनी तुम्हारा N is equal to हो गया M B square by R और F is equal to M D ये वो सिचुएशन है जिसमें इस फ्रिक्शन पे वो क्या है बैलेंस ये हमें चाहिए ये मैक्सिमम वैल्यू से कितना होगा कम तो ये लेस देन होगा किससे म्यू इनटू N तो mg is equal to less than or equal to mu mv square by r m से m कैंसिल हो गया देखो v की क्या वैल्यू आ रही है निकालो g r r g by mu लिखो जो लिखते नहीं हम सबसे नफरत होती है उसे r g by mu साइंस और मैथ लिखने से r g by mu root over r g by mu ठीक है तो ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इससे पहले तक वाले केसों में mv square by r को कौन बैलेंस कर रहा था फ्रिक्शन दो साइन चलो साइन उल्टा हो गया हां साइन उल्टा हो गया मतलब इतनी वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए तभी वो घूम पाएगा बात समझ में आ रही है तो ये तुम्हारे यहां सारे केसेस हो गए मौत का कुआं फलाना ढिमकाना रटने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हें इसका आइडिया है कौन किसको बैलेंस करेगा तो तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी ध्यान रखना हाँ बेटा सर म्यू एन और म्यू एम जी कब लेंगे इस बढ़िया तो वेरिएशन में भी थोड़ा है अच्छा क्वेश्चन गुड क्वेश्चन बोतल फेंक के मारने वाला क्वेश्चन है गधे कहीं के अबे फ्रिक्शन हमेशा इक्वल प्रोपोर्शनल किसके होता है नॉर्मल रिएक्शन के हम कम से कम 20 बार कह चुके हैं कि दिमाग में ये मत रखना कि F is equal to mu mg ना 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 F is equal to mu into नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन क्या बोले तो उसके ये बोला mu है mu है ठीक है तो बोलने वाले थे हाँ क्या बोलने वाले थे हमने तो पहले पढ़े mg कब लिया था क्यों लिया था mg कब लिया था समझे तुम चारों केसेस देखो दो दो तीन केस में तुम्हारा n की वैल्यू डिफरेंट है हर बार सर वेलोसिटी वाले समझा दी इससे कम ज्यादा होगी इससे कम ले जाओगे तो क्या होगा अंडरस्टूड है वो बैंकिंग के केस में जो हमने वेलोसिटी निकाली थी वो मैक्सिमम थी उससे आगे बढ़े तो भाग गए बाहर सिंपल सा अंडरस्टूड कॉमन सेंस की बात है इधर समझ लो जिसको भी थोड़ा डाउट है अवस्थी जब भी हम फ्रिक्शन लिखते हैं फ्रिक्शन जब भी हम लिखते हैं तो म्यू इनटू एन लिखते हैं एन की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है ठीक है ओके बात कर बात भी हो बात 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 हां मोस्टली देखो तुम्हारा पहला इधर सुन लो फिर से पहला केस तुम्हारा हो गया विदाउट बैंकिंग ऑफ द रूट ठीक है उसमें कांस्टेंट से चलते हैं तो म्यू आर जी का अंडर रूट आता है ठीक है और उसके बाद तुमने केस देखा कि अगर एक्सीलरेटेड है तो क्या होता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमें बैंकिंग की नीड क्यों पड़ी बैंकिंग की नीड इसलिए पड़ी क्योंकि साइंटिस्टों ने जिन्होंने भी ये दिमाग में थॉट लाया होगा उन्होंने ये देखा कि हम इससे पहले वाले केसेस में जहां रोड बैंक नहीं थी उसमें एमवी स्क्वायर बाय आर को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा था फ्रिक्शन
है ना, तो वो ये उन्होंने सोचा कि फ्रिक्शन तो एक्सटर्नल चीज है, रोड की चीज है, क्यों ना जो कार चल रही है उसी की किसी प्रॉपर्टी का यूज किया जाए बैलेंस करने के लिए। तो उन्होंने फिर ये दिमाग लगाया कि अगर हम नॉर्मल रिएक्शन की हेल्प ले लें विदाउट बैंकिंग, नॉर्मल रिएक्शन और एमवी स्क्वायर बाय आर ऐसे थे, तो उन्होंने बैंकिंग करी तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया ऐसे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि एन के कंपोनेंट से एमवी स्क्वायर बाय आर को बैलेंस कराया, जो ज्यादा इजी है, जो ज्यादा इजी है हमारे लिए, जो हमारे लिए ज्यादा इजी हो गया। तो बैंकिंग की नीड क्यों पड़ी ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, क्योंकि हमें समझ में आना चाहिए, फील होना चाहिए इस चीज का कि क्यों आखिर नीड पड़ी इसकी। और इसके बाद तुमने केस देखा बैंकिंग, जहां पर म्यू हमने मान लिया कि कितना है, जीरो, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, म्यू हमारा जीरो है, उसके लिए हमारा आरजी टेन थीटा वैल्यू है, जो हमें क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे ऐसे, जो जेई नीट देंगे उनको क्वेश्चन मिलेंगे, कहीं भी तुम जाओगे किसी भी एग्जाम तुम देते हो तो ये बहुत पॉपुलर सा क्वेश्चन है ये, वहां तुम्हें लिखा रहेगा कि रोड इज बैंक्ड फॉर दिस, तो इसका मतलब वहां म्यू आरजी टेन थीटा अंडर रूट की वैल्यू तुमको वो गिवन, ठीक है। इसके बाद तुमने बैंकिंग वाला केस देखा, उसकी प्रैक्टिस घर पे जरूर करना, और कितनी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो, खोल गोपी गधे कहीं के, कितनी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो एनएलएम की, तुम्हें कुछ नहीं करना है, फोर्सेस जो मेन है उनको बना लो, एंगल देख लो, कंपोनेंट उनको रिजॉल्व कर लो, रिजॉल्व करने के बाद दो डायरेक्शन, एक हॉरिजॉन्टल ऐसे तो ऐसे ले लो, अगर रोड इंक्लाइंड हो गई तो ये हमारे लिए हॉरिजॉन्टल हो गया, उसके लिए ये वर्टिकल हो गया, उसमें तुम सारी इक्वेशंस लिख लो, काम खत्म, जो वैल्यू तुम्हें चाहिए वो सब मिल जाएगी, और याद नहीं करना है कुछ भी, बैंकिंग ऑफ रोड हमें कुछ भी याद नहीं करना है, सब घर जाके प्रैक्टिस करोगे 5 मिनट में तुम्हारा काम बन जाएगा। उसके बाद तुम्हारा डेथ वेल, जो भी इसको हम बोलते हैं, मौत का कुआं बनाना ढिमकाना, इसमें हमारा बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट भी अब तुम्हें कंफ्यूज नहीं करेगी, ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर हाँ, तो अगर तुम बॉडी को झुकाना चाहते हो और वो गिरे ना, तो उस कंडीशन में टाउनेट हमारा कितना है, जीरो, ठीक है, 6 बजे, हाँ।